नमस्कार दोस्तों, प्यार का पहला नाम राधा मोहन के आने वाला एपिसोड काफी ज्यादा दिलचस्प देखने को मिलेगा, जहां पर दामिनी की माँ इस समय फंस चुकी हैं बुरी तरीका से, क्योंकि वो चाबी चुराने के लिए गई थी और चाबी का सैंपल एक सावन के थ्रू गई थी। लेकिन दोस्तों उसी कमरे में पहले से ही सोए हुए होते हैं मोहन और पीछे से उसी कमरे में आती होती है राधा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि दामिनी ने अपना प्लान बहुत सोच समझ कर बनाया था। लेकिन दोस्तों अब फाइनली दामिनी की माँ पकड़े जाने वाली बाकी है। जी हाँ, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि कितनी तगड़ी प्लानिंग प्लॉटिंग हो रही है इस समय राधा और मोहन के खिलाफ। हालांकि मोहन उस समय सोया हुआ है और मोहन को पता भी नहीं है कि मेरे कमरे में कोई आ रहा है और वो यहाँ से चाबी चुराने की फिराक में है। चाबी चुराने वाला कोई शख्स और तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस घर में जितने भी कांड होते हैं मोहन के घर में वो टोटल ही दामिनी की माँ करती है। और दामिनी की माँ की अगर बात की जाए तो दामिनी और दामिनी की माँ दोनों मिलकर ही इस घर को पूरा बर्बाद करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि कहानी में जल्द ही एक बहुत बड़ा ट्विस्ट और देखने को मिलेगा, जब बोलती हुई नजर आती है दामिनी कि चाहे ये लोग कुछ भी कर लें लेकिन मैं इनसे जीत कर रहूँगी। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि राधा को इस घर से भगाने के लिए या राधा को मारने के लिए कुछ भी कर सकती है दामिनी, क्योंकि दामिनी ने पहले भी काफ़ी कोशिश की है, लेकिन इस समय नया चोरी का इल्जाम लगवाने की फिराक में हैं दोनों ही। क्योंकि दामिनी की माँ पहले से ही बहुत ज़्यादा गंदी हरकत कर चुकी है, और इधर बात की जाए दामिनी तो वो तो हर चीज़ में एक्सपर्ट है ही, क्योंकि उसे तो हर चीज़ एक अलग ही लेवल की चाहिए। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार कहानी में एक बार फिर से नया ट्विस्ट क्या होने वाला है, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि कहानी बहुत बड़ी ट्विस्ट भरी होने जा रही है। साथ ही दोस्तों, मेरा नाम है रोहित नागर, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें एंड कॉमेंट करके आप लोग मेरे को जरूर बताइए गाइज कैसे लगी मेरी वीडियो। थैंक यू सो मच गाइज।